Let's start with the legal terms. This comes in your exams as legal terms in fifth unit. In fifth unit, you have your legal terms. So let's start with the legal term. The first is admissible जो जुडिशियल प्रूफ की तरह अलाउड होता है, विच इज़ अलाउड या अलाउएबल, अलाउएबल एज जुडिशियल प्रूफ एंड विच इज एंड विच इज वर्दी ऑफ being admitted or received. जो judicial proof की तरह allow किया जा सकता है, जो कि जिसकी की worth है, मतलब जिसको कि admit करने की, receive करने की या accept करने के लिए जो worthy है, ऐसा statement, ऐसी चीज़ को admissible कहा जाता है. Next is your adverse witness. Witness mostly होता है जो in favor of the केस होता है. एडवर्स विटनेस इज अ विटनेस हु गिव्स एविडेंस अनफेवरेबल टू द पार्टी, मतलब उल्टा पड़ जाना. ऐसा विटनेस जिसने उल्टा स्टेटमेंट दे दिया या अनफेवरेबल स्टेटमेंट दे दिया उस पार्टी के लिए जिसने उसको बुलाया. हु कॉल्ड हिम और हर. नेक्स्ट इज बेल. बेल क्या है? एक टेम्प्रेरी रिलीज होता है. टेम्प्रेरी रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट ऑन फर्निशिंग सिक्योरिटी, यानी कुछ जमा करके कुछ वक्त के लिए जेल से आपको छूट मिल जाती है या जाने दिया जाता है, तो वो जो कुछ जमा की हुई चीज़ होती है उसको बेल कहा जाता है. फिर है बेंच, और इसी के साथ बेंच क्या है कि ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस या मैजिस्ट्रेट्स. जजेस मोस्टली सिविल केसेस में कहा जाता है, मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल केसेस में कहा जाता है. सिटिंग टुगेदर इन द कोर्ट, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि एन एडवोकेट who has been appointed as judge is said to have been raised to the bench.
इसी के रेलेवेंट रखता हुआ आता है टर्म बार। तो बार क्या है? ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स। सिटिंग टुगेदर इन अ कोर्ट। नेक्स्ट आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सिद्ध करने का दायित्व, कुछ कोई चीज़ कही गई है उसे सिद्ध करने का दायित्व। तो मोस्टली दिस बर्डन ऑफ प्रूफ फॉल्स on the party who substantially asserts the truth of a particular fact। तो जिसने कोई चीज़ एलिगेशन लगाई, जैसे मैंने कहा कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स या मेरी घड़ी इसने चुराई है, तो ये प्रूव करने का दायित्व भी मेरा होगा कि उसने मेरी घड़ी चुराई है। लेकिन दिस इज़ यूजुअली द रिवर्सल इन द केस ऑफ रेप। यदि किसी पीड़ित महिला ने ये या पीड़ित व्यक्ति ने कहा है कि मेरा रेप हुआ है, तो इसका दायित्व दूसरे व्यक्ति पे होगा सिद्ध करने के लिए कि नहीं, उसने रेप नहीं किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ मोस्टली इट फॉल्स ऑन द पार्टी हु सब्सटेंशियली असर्ट्स द ट्रूथ ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट। देन कोड इज अ डाइजेस्ट of the laws of a country। एक तरह से ये एक बुक होती है country के laws की। फिर decree is a court ऑर्डर। फिर है आपका डोमिसाइल। आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फाइल करते हो या कहीं किसी भी जगह पर आप अप्लाई करते हो, तो मोस्टली डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको यूं भी कहा जाता है मूल निवासी। तो मूल निवासी सर्टिफिकेट, इसका क्या होता है? प्लेस वेयर अ पर्सन हैज़ अ परमानेंट रेजिडेंस फ्रॉम लास्ट couple of years। और इस डोमिसाइल के ही बेसिस पे कई बार आपको रिजर्वेशन भी मिलता है स्कूल्स कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में। तो डोमिसाइल ज़रूरी होता है। कई बार आपकी रैंक अच्छी होती है लेकिन अब आपको स्टेट का अगर डोमिसाइल नहीं है आपके पास में, मूल निवासी नहीं है, तो आपको वहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता है। फिर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस इन रिटन रादर देन
ओरल फॉर्म। डॉक्यूमेंट्री है इसलिए इट इज़ इन रिटन रादर देन कि बोला गया कोई साक्ष्य लिया हो। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ फाइन। फाइन इज़ सम ऑफ मनी दैट एन ऑफेंडर इज़ ऑर्डर्ड टू पे ऑन कन्विक्शन। जैसे कि आपका चालान, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, आपने कोई रूल को फॉलो नहीं किया है तो आप पे फाइन इम्पोज किया जाता है। तो ये वो सम ऑफ मनी है जो कि आपने गलती करने पर, लॉ की अवहेलना करने पर आपको पे करना पड़ेगा सरकार को। इन कैमरा मोस्टली क्या होता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फॉर द पब्लिक होती है, तो इसको दूसरी तरह से यूँ भी कहा जा सकता है इन प्राइवेट। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि ज़रूरी होता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को पब्लिक ना करके प्राइवेट किया जाए इन ऑर्डर टू मेंटेन दी पब्लिक सेफ्टी। तो इन कैमरा मींस इन प्राइवेट। सो In certain circumstances, courts hearing may take place in judges courtroom, specially when it is a sensitive issue or is connected with the public safety। कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है या कोई ऐसा रिसर्च वर्क है जिससे कि पूरे देश में बहुत वैक्सीन जब बना रहे थे तो ये एक बहुत सेंसिटिव इशू था। तो अगर ऐसे टाइम पे अगर कोई कोर्ट हियरिंग है तो ये कोशिश की जाती है कि उसको पब्लिक ना करके प्राइवेट किया जाए। तो इस चीज़ को कहा जाता है इन कैमरा। देन इनसैनिटी इज़ लाइक मेंटल अबनॉर्मैलिटी और मेंटल डिस्टर्बेंस भी कहा जा सकता है। इंटेंशन, स्टेट ऑफ माइंड कहा जा सकता है इसको। स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन हु एम्स और डिजायर्स टू ब्रिंग certain consequence। next ये पिछली बार आया था interstate। a person, ये आया था आपका one word substitutes में। a person who dies without leaving the last will and testament।
बिना वसीयत करे, बिना आखिरी वसीयत करे या आखिरी वक्त में बिना वसीयत करे यदि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको कहा जाता है इंटरस्टेट, यानी बिना वसीयत के। नेक्स्ट है आपके मेंटेनेंस। मेंटेनेंस है तो बहुत इजी, मोस्टली आप सबको पता होगा। प्रोविजन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दैट इज फ्लूड क्लोदिंग, फूड क्लोदिंग एंड शेल्टर, जिनको कि मूलभूत आवश्यकताएं माना गया है, उनकी ज़रूरतें पूरी होना मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। फिर है नोटरी, या आप इसको यूं भी कह सकते हो नोटरी, नोटरी पब्लिक, तो ये भी एक एडवोकेट ही होता है। अ पब्लिक ऑफिसर और पब्लिक ड्यूटी करता है, हुज फंक्शन इज टू सर्टिफाई signatures and documents on oath, जो हम अपने documents को certify करवाते हैं, इसका मतलब हम उनका सत्यापन करते हैं कि हाँ ये सब हमारे होशोवास में बिल्कुल सही दस्तावेज हैं। ओथ, ओथ क्या होती है? इट इज अ प्रनाउंसमेंट स्वेरिंग द, या अफर्मिंग भी कह सकते हैं, स्वेरिंग द ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट और प्रॉमिस, यूजुअली यूजुअली टू गॉड, टू विटनेस द ट्रूथ। ये कोर्ट में भी किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी किया जाता है, एफिडेविट्स में किया जाता है, तो ये सारा डिफरेंट प्लेसेस पे इस टर्म को यूज़ करते हैं, विच बेसिकली मींस दैट यू आर अफर्मिंग टू द स्टेटमेंट और द प्रॉमिस विच इज़ यूजुअली मेड टू द गॉड, जो भगवान के सामने किया गया एक ऐसा वचन आप दे रहे हो कि जो भी चीज़ें सत्यापित की जा रही है, कही जा रही है, बोली जा रही है, वो मेरे होशोवास में बिल्कुल सही है। ओथ इज द ट्रूथ, यूजुअली मेड इन कोर्ट और एफिडेविट्स एक्सेट्रा। देन ओवर रूल, ओवर रूल है कोर्ट के डिसीजन को पास कर देना, सेट असाइड कर देना, और ये किस पे बेस्ड होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट पर बेस्ड होता है। तो टू सेट असाइड द डिसीजन ऑफ कोर्ट
based on the doctrine of based on the doctrine of precedence and mostly the decisions of lower courts are ओवररूल्ड, अपने से निचली अदालत जो होती है उन्हीं के निर्णय को मोस्टली ओवररूल किया जाता है. कोर्ट्स आर ओवररूल्ड ऑन अपील एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्सल, यानी जो उल्टा पड़ जाना, दिस इज़ कॉल्ड रिवर्सल, यानी ओवररूल कर दिया गया उसकी जगह ये चीज़ कह दी गई एंड इट इज़ यूजुअली अप्लाइड ऑन द लोअर कोर्ट्स. नेक्स्ट है आपका ओनरशिप. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ फॉर टुडे इज़ लास्ट इज़ ओनरशिप विच इज़ एक्सक्लूसिव right to use, possess and dispose. वो अधिकार जो सिर्फ आपके पास है उस वस्तु के लिए जिसे आप यूज़ कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, किसी को दे सकते हो, सोल एंड सोल राइट्स जिस वस्तु के लिए आपके पास होते हैं उसको कहा जाता है ओनरशिप. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा